तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता की ओर से पानी की किल्लत को लेकर के हरियाणा सरकार को नसीहत दी गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से पानी की किल्लत इस समय प्रदेशवासियों को झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश के अंदर पानी की मारामारी है और मिसमैनेजमेंट के लिए सीधे तौर पर हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। सरकार की इस लापरवाही का खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता की ओर से बयान जारी करके प्रदेश में पानी की किल्लत को लेकर के हरियाणा सरकार को यह नसीहत दी गई। हरियाणा के अंदर पानी के लिए मारामारी हो रही है, पानी की सबसे ज्यादा किल्लत हो रही है और सीधा सीधा हरियाणा सरकार इसके मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। हरियाणा में कई गांव में पानी भरा हुआ है, खेतों से पानी सरकार निकाल नहीं पा रही है और लगातार फसल खराब हो रही है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही कि पानी की बर्बादी रोक सके और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की बूंद भी नहीं पहुँच रही। 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुँच गया है, परंतु हरियाणा सरकार पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई सोच अपने पास नहीं ला रही, कोई नया प्लान इन्होंने नहीं बनाया। पीने का पानी गाँव के अंदर नहीं पहुँच रहा है, लोग हाहाकार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार जो मिसमैनेजमेंट कर रही है उसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार को दिल्ली सरकार से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हरियाणा सरकार को भी दिल्ली की तरह समर एक्शन प्लान बनाना चाहिए, पानी के वेस्टेज पे लगाम लगाना चाहिए, पूरी तरीके से वेस्टेज को रोक लगानी चाहिए। हरियाणा सरकार को हम अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं, अगर हरियाणा सरकार को नहीं आता तो हमारी सेवाएं नहीं।